अगर हमारे पास कोई पिक्चर है और हम उसका बैकग्राउंड इरेज करना चाह रहे हैं तो वो हम मोबाइल में रहते हुए किस तरह करेंगे। इस काम के मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तरीके का ताल्लुक एक एप्लीकेशन के साथ है और एक तरीके का ताल्लुक एक वेबसाइट है उसके साथ है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को वो दोनों तरीके बताऊं, आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ अपने पास यूट्यूब को ओपन करके यहाँ असुफा ऑनलाइन लिखें और यहाँ हमारा चैनल ओपन करके इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी डेली बेस पर इस तरह की आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, तो पहला जो तरीका है उसका ताल्लुक एक एप्लीकेशन के साथ है। एप्लीकेशन का नाम है बैकग्राउंड इरेज़र। यहाँ ये देखिए, आपने अपने पास बैकग्राउंड इरेज़र लिखना है तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी। 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है और 4.6 इसकी रेटिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं काफ़ी अरसे से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को जब आप अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इस एप्लीकेशन को अपने पास ओपन कर लेना है। ओपन किया तो यहाँ पर ये देखें लोड अ फोटो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप एल्बम में आएँ और यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो ले लें जिसका आपने बैकग्राउंड इरेज करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोटो ही हो, वो आपकी कोई तस्वीर हो, बल्कि कोई और चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर हम ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं और यहाँ ऊपर से डन कर देते हैं। अब यहाँ पर जब आप अपनी उस फ़ोटो को जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी उसको PNG बनाना चाह रहे हैं ताकि उसको आप अपनी किसी डिज़ाइनिंग में या किसी भी जगह पर जहाँ पर PNG तस्वीर इस्तेमाल होती है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकें, जब इस एप्लीकेशन में अपनी उस तस्वीर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होंगी। एक आप उसका बैकग्राउंड ऑटो रिमूव कर सकते हैं और एक मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपके पास आपकी उस तस्वीर का बैकग्राउंड एक ही कलर में हो तो उस सूरत में आप ऑटो पे क्लिक करके अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड ऑटो के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ ऑटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ इसको यहाँ पकड़ कर ला के ये यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, दो गोल दायरे से नज़र आ रहे होंगे, एक ये छोटा और एक बड़ा। ये जो छोटा गोल दायरा है ये हैंडल है इसका, यानी इसको पकड़कर हम इस ऊपर वाले को कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखें कहाँ, जहाँ कहीं भी आप इसको ले जाना चाहें तो ये छोटे वाले गोल दायरे को पकड़कर आप ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ क्लिक किया, ये देखें ये ऑटो हमारी तस्वीर का बैकग्राउंड रेज कर रही है, ये देखिए। लेकिन ये तस्वीर में चूंकि बैकग्राउंड एक कलर का नहीं है तो इसलिए हमें ऑटो नहीं बल्कि मैन्युअली रिमूव करना पड़ेगा बैकग्राउंड। यहाँ मैनुअल पे क्लिक करें और यहाँ पर ये जो इरेजर है इसका यहाँ से आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसका बैकग्राउंड इरेज करते हैं, ये देखिए यूँ आप करते जाएँ बहुत ही आसानी से, ये देखें। ये ऊपर से भी कर लें, यहां से
आप बहुत ही ध्यान से अपने उस पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। अगर आपकी मिसाल के तौर पर कोई गलती हो जाए तो यहाँ से आप अनडू भी कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करें तो ये देखें, यहाँ से अब हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ से, तो यूँ आप बहुत आसानी से अपनी किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर तो इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो एक से ज़्यादा था। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी आप तवज्जो के साथ मेहनत से आप जब इसको करेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरती से और बहुत सफाई से आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको तरीका करके दिखा दिया है कि आप किस तरह अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आपकी उस पिक्चर का कलर एक हो ताकि आप ऑटो में रहते हुए एक क्लिक से अपनी उस तस्वीर का बैकग्राउंड इरेज कर लें। अब हम उस वेबसाइट को देख लेते हैं। वेबसाइट का जो नाम है वो है remove.bg। यहाँ आपने कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं उसको आपने अपने पास ओपन करना है और वहाँ पर आपने लिखना है remove.bg। ये वेबसाइट आ चुकी है, इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये वेबसाइट जब आपके पास ओपन हो चुकी होगी तो आपने यहाँ पर ये देखें अपलोड इमेज, ये ब्लू कलर का यहाँ पर एक बॉक्स सा बना हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट चूँकि ऑनलाइन हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज करती है तो यहाँ पर पिक्चर को अपलोड होने में और बैकग्राउंड इरेज होने में शायद 3-4 सेकंड लग जाएं। वो आपके नेट पर मुनहसर है कि आपके नेट की स्पीड जितनी बेहतर होगी ये वेबसाइट उतनी ही तेज़ी से उतनी ही जल्दी आपकी उस तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देगी। यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करते हैं हम। ब्राउज पे क्लिक किया और यहाँ पर अब हम यही पिक्चर ले लेते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताए दूँ कि जो अभी मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई है ये वेबसाइट उस बैकग्राउंड इरेजर नामी एप्लीकेशन से ज़्यादा खूबसूरती से काम करती है। तो बेहतर यही है कि आप इसी वेबसाइट से अपने उस पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज करें। अब हम ये पिक्चर को डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर चूंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वेबसाइट ऑनलाइन हमारी पिक्चर को पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज करती है तो यहाँ पर कुछ वक्त लग सकता है। यहाँ अभी थोड़ी सी नेट की स्पीड का शायद ये देखें, ये इसने हमारी इस पिक्चर को बिल्कुल PNG फॉर्मेट में बना दिया है। यहाँ देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसने हमारी पिक्चर के बैक में जितना कुछ भी था वो इसने खुद ब खुद ही रिमूव कर दिया है। जब आपकी पिक्चर इस तरह हो जाए यानी उसका बैकग्राउंड बिल्कुल रेज हो जाए, रिमूव हो जाए, तो आपने यहाँ पर ये देखें ये डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इमेज आपके पास मोबाइल में आ जाएगी। ये देखें कितनी खूबसूरती से ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब हम पिक्सल लैब में चलते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप इस इमेज को सिर्फ पिक्सल लैब में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर उस एप्लीकेशन में या हर उस सॉफ्टवेयर में ये इमेज को इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हमें PNG फॉर्मेट की किसी भी इमेज की ज़रूरत होती है। और ये जो वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई है ये सिर्फ मोबाइल में ही इस्तेमाल नहीं की जा सकती बल्कि ये लैपटॉप कंप्यूटर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पिक्सल लैब को हम ओपन करते हैं।
यहाँ इसको ओपन किया और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ से वो इमेज जिसको हमने वहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करके इंसर्ट किया, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया है, यहाँ से हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं पिक्सल लैब में। ये देखें, ये वो इमेज है, इसको यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरती से ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। तो यूँ आप उस एप्लीकेशंस के ज़रिए भी, जो एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताई है बैकग्राउंड इरेजर, उस एप्लीकेशन के ज़रिए या removebg.com के ज़रिए, remove.bg के नाम से जो वेबसाइट है उसके ज़रिए आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो वो आप बहुत आसानी से अपने एंड्रॉयड मोबाइल में रहते हुए कर सकते हैं। दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।